दिनों बाद मिल रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हारी कॉल मिलते ही चली आई। चलो अंदर आ जाओ। आओ ना बैठो। वैसे ये घर कब खरीदा? तुम तो मेरे डैडी के बिजनेस के बारे में जानती हो, अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा। बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? हाल ही में इस बिल्डिंग को बेचने के लिए इश्तेहार दिया। क्लाइंट से समझौता होने से पहले ही दो प्रेमियों की यहाँ पर मौत हो गई। क्या कहा? लवर्स की मौत हो गई? हाँ, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन यहाँ का वॉचमैन कह रहा था कि यहाँ भूत है और उन्होंने ही उसे मार दिया है। बस सच्चाई जानने के लिए ही मैं यहाँ पर रुक गई। अरे यार, तुमने कहा उन लोगों ने सुसाइड कर ली है? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? जितना डर रही हो उतनी डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। चलो और बताओ क्या चल रहा है। कुछ नहीं। ठीक है चलो। हाँ आओ ना। हाँ मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मित्रा, 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 मित्रा कहाँ हो तुम? मित्रा, मित्रा, मित्रा नीचे हो क्या? मित्रा कहाँ हो तुम? मित्रा कहाँ चली गई है? मित्रा, 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 मित्रा,
मित्रा गुड मॉर्निंग आओ मुझे अंदर अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो अरे तुम सो रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया क्यों क्या हुआ तुम डर गई इतना क्यों डर रही हो तुम मैं हूं ना ठीक है चलो अंदर चलते हैं चलो चलो डर रही थी नहीं वहाँ कुछ था मैंने अपनी आंखों से देखा है मैंने देखा है वहाँ कुछ था तुम समझ क्यों नहीं रही कुछ नहीं है वहाँ पर अरे वहाँ था यार तुम मेरी बात मानो मैंने कहा कुछ था कुछ तुम मानती क्यों नहीं लगता है आपकी सहेली ऐसी कुछ देखकर डर गई है मैडम नहीं चारी जी उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो जरूर है आप ये क्या कह रही हैं मैडम
हाँ, मैंने खुद वहाँ आवाजें सुनी। एक दिन ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई चल रहा हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है चारी जी। अब आप क्या करने वाली हैं मैडम? यही तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा। अगर क्लाइंट को इस बारे में पता चल गया तो डील टूट जाएगी, इस बात का डर लग रहा है। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस इस बंगले की चाबियां एक बार उनके हवाले हो जाएं, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा इससे। लेकिन क्या ये सही होगा, इस तरह धोखा देकर किसी को बिल्डिंग बेचना, ये ईमानदारी तो नहीं है ना? तो फिर आप क्या चाहती हैं मैडम? मैं वही तो सोच रही हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ हैदराबाद में कुछ घोस्ट एनालाइजेशन वाले रहते हैं, उनको बुलाते हैं, वो कोई रास्ता जरूर बताएंगे। फिलहाल यही एक रास्ता है हमारे पास अभी। आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? पर कहाँ मिलते हैं? क्यों बे गधे, एक तो समय पर पैसा नहीं देता, ऊपर से परेशान करता है। ऐसी बात नहीं है भैया, मैं आपको जरूर दे दूंगा, मैंने देने के लिए मना नहीं किया था। नहीं भैया, आपका नाम लेने के बाद भी बहुत घमंड में बात कर रहा था। नहीं भैया, आपका नाम लेने के बाद भी मैं पैसे ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? अबे ओ, तो क्या मेरे आदमी झूठ बोल रहे हैं? अगर पैसा देता हूँ तो लेना भी जानता हूँ, तू समझा कि नहीं? ए, शाम तक पैसे नहीं दिए तो जिंदा नहीं बचेगा, समझ में आया ना? समझ गया भैया, शाम तक मैं आपको पैसे दे दूंगा। अगर समझ गया, चल चल निकल यहाँ से। नमस्ते चारी भैया, आइए आइए बैठिए। बोलिए चारी भैया, बहुत दिनों के बाद इधर आए, कैसे हो? अरे मैं तो अच्छा हूँ भाई। और आपका काम कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम? आपको कैसी प्रॉब्लम आ गई? एक प्रॉब्लम आ गई है भाई। अरे क्या बात है, बोलिए ना, आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? बोलिए तो हाथ पैर काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तो बस यही सोचता है। मुझे तो बस यही आता है। खैर छोड़िए, आपकी प्रॉब्लम क्या है बोलिए। भैया फोन। हाँ क्या मुसीबत है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं सर। क्या हुआ भाई? मेरा एक आदमी है, उसे काम करने के लिए भेजा था। शर्मा जी, आपकी बेटी है इसलिए इन सब बातों को अनदेखा करना ही बेहतर होगा। 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर, 2 करोड़ में ही मांग रहे हैं, अब ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? अब बेटी है इसका मतलब कुछ भी करेंगे क्या? शर्मा, मैंने बस कहा है, कुछ किया नहीं, जो दे रहा हूँ लेकर जाओ, 2 करोड़ रुपया तुम्हें दे रहा हूँ, बैग लगाओ और खुशी खुशी जाओ यहाँ से। अगर नहीं माना ना तो कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन, पांचवे दिन पूरा परिवार खत्म। ऐसा मत करिए सर, आप पेपर्स दीजिए, मैं साइन कर दूंगा सर, जिंदा रहूंगा तो और भी कमा लूंगा सर, प्लीज। तू बहुत अकलमंद है शर्मा। ये कौन है बे तू? मेरे सामने सिगरेट फूंक रहा है, ए, मारो इसे आकर। किसे बुला रहा है?
ऑलरेडी मैं तेरे सारे आदमियों को ऊपर पहुंचा चुका हूं। ये लीजिए सर, 2 करोड़ रुपए। मुफ्त का जो पैसा होता है उसका मजा ही अलग होता है, देख लिया ना? जुल्म करने वाले को सबक सिखाने वाला जरूर आता है, आ गया ना? ये लीजिए सर। लो वो आ गया। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। नमस्ते भैया। जानते हो तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? उस बिल्डर से पैसे लेने के लिए भेजा था तो तुम काम बिगाड़ कर आ रहे हो। वो मुझे परेशान क्यों कर रहा था? 2 लाफा लगाया उसे। शराफत से पैसे देता ही कौन है? तो क्या तुम उसे मारोगे? वो हमारे बहुत काम के आदमी है। छोड़िए ना भैया, उस बिल्डिंग को बनने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पैसा वसूलने से कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में ज्यादा मत सोचिए आप। बहुत तेज भूख लगी है भैया, अंदर कुछ खाने को है? रे, अंदर बिरयानी है ना? बिरयानी है? देख लिया ना मेरी समस्या क्या है? खैर छोड़िए, अपनी समस्या बताइए। अब मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो किसी से डरता नहीं हो, बहुत बहादुर हो, काम करने से पहले ही काम कर दे। ऐसा मुझे तो लगता है भाई, जो लड़का अभी अंदर गया है ना, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। नहीं नहीं, यही मुझे चाहिए। वो आपके किस काम आएगा? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है। बोलिए भैया। कि चारी सर हमारे बहुत खास हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। इन्हें तुमसे एक छोटा सा काम है, क्या तुम करोगे? ठीक है भैया। थैंक यू भैया। चलता हूँ। तुम यही रुको, मैं मैडम को ले करके अभी आता हूँ, ठीक है? क्या मैडम, क्या है ये?